देश की राजधानी दिल्ली, जहां अभी तक आपको ऊंची ऊंची इमारतें और लंबी चौड़ी सड़कें नजर आती हैं, अब उसे झीलों का शहर बनाने की तैयारी चल रही है। जी हाँ, दिल्ली में आपको अब अलग अलग जगहों पर आकर्षक झीलें नजर आएंगी। दिल्ली सरकार इसको लेकर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सायम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। दोस्तों, आज हम आ पहुंचे हैं सनौट गांव के झील में। जैसा कि आपको पता ही है कि हाल फिलहाल अभी दिल्ली के डिप्टी सीएम आए थे यहां पर और देखने आए थे कि कितना झील का काम हुआ है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार द्वारा जो है दिल्ली के अंदर लगभग हज़ारों झील है, कम से कम 1045 झीलों का सौंदर्यकरण का काम किया जा रहा है और उनमें से एक झील ये भी है सनौट झील, और यहाँ पर भी इसके सौंदर्यकरण का काम किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से पूरा इसको बनाए जा रहे हैं, इनकी पैड़ी बनाई जा रही है और झीलों को साफ करके और किस तरीके से पौधे यहाँ पर लगा दिए गए हैं झील के बीचों बीच, चलने के लिए प्रॉपर जो है सीढ़ियाँ बनाई जा रही है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इधर देखिए इस पोर्शन में बच्चों के खेलने के लिए झूले वूले लगा दिए हैं, साथ ही साथ ओपन जिम भी लगा दिया गया है ताकि यहाँ पर जो पर्यटक या आसपास के लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर आकर एक्सरसाइज कर सके और यहाँ के वातावरण में जो है आनंद ले सके, लुफ्त उठा सके। दिल्ली सरकार के फ्लड विभाग द्वारा 6 एकड़ में फैली सनौट झील को भी पर्यटकों के लिए विकसित किया जा रहा है। ये झील बवाना के सनौट गांव में बनाया जा रहा है। इस झील को केजरीवाल सरकार आधुनिक तकनीकों के साथ पुनर्जीवित कर रही है। दोस्तों, सनौट गांव का ये झील जो आप देख रहे हैं ये लगभग 6 एकड़ में बना है और अभी जो है इस पर काम चल रहा है। आने वाले कुछ टाइम में 6 महीने या 1 साल में इसको पूरा कर दिया जाएगा। अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये ब्रिज बनाया गया है और ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ना, ये ब्रिज जो है ये लकड़ी का है और इसके चारों तरफ जो बाउंड्री की गई है वो लोहे की ग्रिल की गई है और बहुत ही सुंदर सा है बनाया गया है। आने वाले टाइम में इस पोर्शन में पानी आएगा और अगर आप देखेंगे तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो है जो पर्यटक होंगे, जो लोग होंगे यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं और आकर यहाँ के वातावरण का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और ये जो एरिया है ये बहुत ही खाली एरिया है और आसपास जो है बहुत तरह के आपको चीज़ें दिखाई देंगी और बहुत ही शांत एरिया है। और अगर आप जब यहाँ आएंगे ना तो यहाँ पर आपको एक अलग ही वातावरण मिलेगा और इसमें आप जो है यहाँ के वातावरण में एकदम खो जाएंगे, क्योंकि आसपास जो है बहुत ही सुंदर सुंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखिए एक इस तरीके से यहाँ पर जो है पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि इसको और सुंदर बनाया जा सके। अभी फ़िलहाल पेड़ लगाने का काम, पौधे लगाने का काम किया जा रहा है, लेकिन आने वाला टाइम में इसको भी पूरा कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार सनौट झील को पिकनिक स्पॉट के रूप में तब्दील कर रही है और घोघा ड्रेन में मौजूद 1 MLD के प्राकृतिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के रिसाइकल पानी का इस्तेमाल इस झील को जीवंत करने के लिए किया जा रहा है। इस झील में बच्चों के लिए खेल का मैदान, पिकनिक गार्डन, पैदल मार्ग, छठ पूजा घाट और जिम जैसी सुविधाएं दी जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यही वो झील है जिसके सौंदर्यकरण का काम किया जा रहा है और आने वाले टाइम में इसी पोर्शन में जो है बोटिंग की जाएगी और यहाँ पर बकायदा बोट्स वगैरह आ जाएंगे उस टाइम में जब इस झील का काम पूरा हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि पहले यहाँ पर छठ पूजा का काम किया जाता था, लेकिन अब जो है यहाँ पर सौंदर्यकरण का काम किया जा रहा है, झीलों के सौंदर्यकरण का काम हो रहा है यहाँ पर। दोस्तों, आपको बता दें कि 6 एकड़ में इस झील को अगर आप देखेंगे तो बनाया गया है और पहले यहाँ पर जो है छठ पूजा की जाती थी और अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से इसके सौंदर्यकरण का काम किया जा रहा है। जगह जगह पेड़ी बना दी गई है और अभी काम चल रहा है इसके सौंदर्यकरण का, आने वाले टाइम में इसको पूरा कर लिया जाएगा। अगर आप देखेंगे इस वाले पोर्शन में जो पानी चल रहा है, इसमें जो पर्यटक होंगे वो बाकायदा यहाँ पर बोटिंग करेंगे, यहाँ पर बोट लाई जाएगी और यहाँ पर बोटिंग किया जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो उधर देखिए तरह तरह के पौधे लगाए गए हैं,
वो भी हम आपको दिखाएंगे चलते चलते किस तरीके से इसके सौंदर्यकरण का काम दिल्ली सरकार और फ्लड विभाग कर रही है। और आने वाले टाइम में यहाँ के लोगों को एक बड़ी सौगात मिलेगी, जो यहाँ के लोग हैं और पर्यटक जो आएंगे उनको बहुत जल्द दिल्ली सरकार द्वारा जो है एक सौगात मिलेगी और यहाँ पर आकर आप लोग जो है लुत्फ़ उठा सकते हैं। अभी काम चल रहा है, हाल फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि लगभग 8 महीने में या 1 साल के अंदर अंदर इसको पूरा कर लिया जाएगा। और ये जो पार्क है, ये जो आप झील देख रहे हैं, ये आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर आपको अलग अलग स्पॉट मिलेंगे चलने के लिए, ब्रिज भी बनाए गए हैं और पैड़ी भी बनाई गई है, बोटिंग की भी सुविधा है। साथ ही साथ अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर बच्चों के खेलने की भी सुविधा बनाई गई है। साथ ही साथ जो है ओपन जिम भी बनाया गया है ताकि यहाँ पर आकर आप एक्सरसाइज कर सकें। और हर चीज़ यहाँ पर है, कहते हैं ना कि जैसे हम पार्क में जाते हैं एक सुंदर वातावरण देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से ही अगर आप इस झील में आएंगे तो इस पार्क में आपको ये सारी सुविधा मिलेगी। और यहाँ पर आकर आने वाले टाइम में जब ये पार्क पूरी तरीके से बन जाएगा तो आप यहाँ पर आकर ज़रूर ही यहाँ के लुत्फ़ उठाएंगे। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं सारा परवीन, जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।